श्री राधे राधे। भक्तों, चरण राम तीरथ चले जाहीं, राम बसहु तहि के मन माहीं। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा था, अर्थात जिन भक्तों का, साधकों का चरण राम जी के तीर्थों में चलता रहता है, भ्रमण करता रहता है, उनके मन में राम ही राम बसते हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान का निरंतर वास होता है उसके मन में, और प्रभु का निरंतर वास मन में होना परम कल्याणकारी है। इसीलिए ब्रज के जो 84 कोस ब्रज के तीर्थ हैं, कोई उनकी यात्रा करता है, कोई उनकी परिक्रमा करता है, परिक्रमा में चारों तरफ घूम करके प्रणाम करते, और यात्रा में भीतर भी जा जा करके हर जगह दर्शन करते। विशेष रूप से भादों के शुक्ल पक्ष में यात्राएं अधिक होती हैं। भादों के शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी पड़ती है, राधा रानी की विशेष कृपा मान करके उस समय ब्रज 84 कोस की परिक्रमा और यात्रा दोनों चलती रहती है। पहले तो पानी में घुस घुस कर चलना पड़ता था, कीचड़ मिलता था, कांटे में चलना पड़ता था, और अब तो अच्छी अच्छी रोड बन गई हैं, असमर्थ लोग भी वाहनों के द्वारा कर लेते हैं। ये जिस सामर्थ्य है शरीर में तो पैदल ही करना चाहिए, और हिम्मत है तो नंगे चरण बिना किसी जूता चप्पल के करनी चाहिए परिक्रमा। जहाँ बन पाए वहाँ दंडवत भी करते रहना चाहिए, लगातार दंडवत करना तो सबके सामर्थ्य की बस की बात नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ विशेष लीला स्थलियाँ हैं वहाँ वहाँ दंडवत करना चाहिए। बैठ कर नेत्र बंद करके उन लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जो लीलाएं वहाँ पर भगवान और उनके पार्षदों के द्वारा हुई हैं। तो आप श्रवण कर रहे थे भक्तों, ये श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा में महाराज जी ज्येष्ठ मल की धर्मशाला में रह रहे थे, और वहीं निकट थोड़ी दूर पर माता किशोरी जी अपनी माँ के साथ रह रहे थे। उनके द्वारा दिव्य भगवत लीलाएं श्रवण करने को मिलती थी, जिनको सुनने के लिए वृंदावन के महान से महान संत लोग भी लालायित होकर के एकत्रित हो जाते थे। कार्तिकेय जी महाराज श्री वृंदावन धाम में इस प्रकार भगवान की चरितावली, भक्तों की चरितावली निरंतर सुनते हुए आनंदित हो रहे थे। और जब भादों का शुक्ल पक्ष आया तो उनके मन में हुआ कि सब संत लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यात्रा करते हैं, तो अपने लोगों को भी ये करना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी मंडली के साथ जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि महाराज जी को पता था मंडली में जो बड़ी बड़ी मंडलियां होती हैं, हजारों हजारों लोग चलते हैं, तो उसमें सब तरह के, कई तरह के साधक होते हैं, बहुत उच्च कोटि के ही सभी साधक हों ऐसा नहीं रहता है, आम लोग भी रहते हैं। तो मंडली महाराज जी फिर अपने बनाए, जिससे बाधा न पड़े, किसी प्रकार से भक्ति में बाधक न हो, सब शांत मौन या नाम कीर्तन के साथ चलते थे। मंडली में केवल 14 व्यक्तियों को महाराज जी ने रखा था, जिनको जानते थे कि ये कोई वार्ता नहीं करेंगे, कोई भगवान की वार्ता के अलावा दूसरी वार्ता संसार की नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को लिया था। उसमें
वैष्णव भी थे, परमहंस अवधूत भी थे, ब्रह्मचारी और सन्यासी भी थे, गृहस्थ भाई बहन थे और बालक वृद्ध सभी वर्ग के लोग थे। और उसमें कुछ तो बहुत प्रसिद्ध लोग भी थे, जैसे स्वामी अवधूत जी, परमानंद जी, ज्ञानानंद जी, अनंत ब्रह्मचारी जी, सिंधी ऋषि जी, श्री राम प्रपन्नाचार्य जी, श्री राम रसिक जी, श्री बाई जी, श्री बाई जी की माता जी अर्थात किशोरी जी और किशोरी की माता जी, श्री हरिहर जी, घनश्याम जी और उनकी माता सुशीला जी, ये सभी किशोरी जी वो कार्तिकेय जी महाराज के साथ परिक्रमा के लिए चल पड़े बड़े भाव उत्साह के साथ। महाराज जी ने जो परिक्रमा के संबंध में पुस्तकों में मिलता है ना, ऐसे नियम के साथ कोई पुस्तक परिक्रमा की मिली थी महाराज जी को, किसी भक्त ने दिया था, उसको साथ में रख कर उसी के प्रमाण के अनुसार परिक्रमा करते थे। वृंदावन से चल करके मथुरा जी में प्रथम दिन भूतनाथ, जिनको भूतेश्वर बोलते हैं, उस स्थान पर विश्राम किया। दूसरे दिन कुमुद वन में विश्राम हुआ। इसी प्रकार अन्य विश्राम स्थानों में ही विश्राम होता था और कहीं कहीं तो विश्राम भी नहीं करते थे, केवल दंडवत करके थोड़ी देर बैठ के लीला चिंतन करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार प्रणाम आदि करते हुए महाराज जी गोवर्धन पहुँचे। वहाँ पर तीन दिन निवास किया गोवर्धन जी ने, निवास किया तीन दिन और फिर गिरिराज जी से राधा कुंड, कृष्ण कुंड, उद्धव कुंड, नारद कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा इत्यादि स्थलों का दर्शन किया। स्नान परिक्रमा आदि के द्वारा वहाँ पूजन करके सत्कार भी किया, सम्मानित किया, तीर्थों को आदर प्रदान किया, नेत्र बंद करके लीलाओं का दर्शन किया। श्री ज्ञानानंद जी इत्यादि महात्मा दूर दूर से भिक्षा ले आते और फिर महाराज जी को अर्पण करके तब प्रसाद ग्रहण करते थे। सायंकाल भक्तों प्रार्थना एवं सत्संग का कार्यक्रम आनंद के साथ चलता था। तीसरे दिन श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज प्रस्थान किए। आगे आगे कार्तिकेय जी महाराज थे, गोवर्धन जी से दो कोस आगे चलने पर जतिपुरा में गिरिराज जी महाराज के ऊपर जो दृष्टि पड़ी महाराज जी की, कार्तिकेय जी की दृष्टि गिरिराज पर्वत के ठीक ऊपर गई तो महाराज भाव विभोर होकर के उंगली उठा के दिखाने लगे, देखो देखो श्याम सुंदर जी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। और महाराज कितने कृपालु थे महाराज जी की, सबसे बोल दिए ऊपर देखो श्याम सुंदर खड़े दर्शन दे रहे हैं। महाराज प्रत्यक्ष भगवान श्याम सुंदर खड़े दर्शन दे रहे थे, एकदम अमृत भरी वाणी और दृष्टि से महाराज जी लगातार उधर देख रहे थे और बोलते भी जा रहे थे। सब लोग हाथ जोड़ करके उधर सिर झुकाए फिर दर्शन कर रहे थे। सभी को एक जैसा दर्शन नहीं मिला भक्तों, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ सभी को मिला था क्योंकि ऐसे श्रद्धावान भक्त लोग साथ में थे। किसी किसी को कुछ आकृति दिखी, कोई विशेष छवि दिखी, किसी को भाव विभोर अवस्था प्राप्त हुई। महाराज जी के वचन पर विश्वास करके सभी ने प्रणाम किया कि भगवान कृष्ण खड़े हुए। इसके बाद आगे बढ़े श्री राम कृपाल जी और राम रसिक जी, ये दोनों दौड़ करके ऊपर की ओर गए। दर्शन नहीं हुआ उनको,
तो नीचे लौट करके फिर साथ में आ गए और भक्तों इस तरह से चलते हुए महाराज जी ने परिक्रमा को आगे बढ़ाया, गोवर्धन से आगे चल पड़े। भक्तों बहुलावन इत्यादि की परिक्रमा करते हुए डीह लीला स्थलियों को नमन करते हुए विहार वन में रहे। कदम्ब खंडी थी वहाँ, आज भी है कदम्ब खंडी, लेकिन अब जंगल नहीं है, वहाँ बहुत कम जंगल हैं। वहाँ कदम्बों के मंडलाकार वृक्ष थे, रास करने के लिए मानो सखियाँ ही खड़ी हों। वहाँ पर श्री भगवान ने रास भी किया था। उसी स्थान पर कन्हैया जी ने गोपियों से एक दिन मक्खन मांगा तो उन्होंने कहा दोना बना कर लाओ तो मक्खन दें। यह सुनकर कन्हैया जी ने कदम्ब के पत्तों को ही दोने के आकार का बनाया और गोपियों के पास जाकर के माखन मांगने लगे। ऐसे सुंदर प्राकृत दृश्यों को, दोनाओं के दृश्यों को देखकर गोपियां चकित रह गईं कि कदम्ब के पत्ते तो दोना बन गए सब, और भर भर करके मक्खन दिया। महाराज आज भी कहीं कहीं दोना बने हुए कदम्ब के पत्ते मिलते हैं। मैंने तो बहुत दर्शन किया, राधा टीला में तो पहले बहुत मिलते थे, और भी कई जगह मिलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको ना, जो महाराज जी जहाँ कदम खंडी में विराजमान थे वहाँ भी मिलते हैं, राधा टीला में भी मिलते हैं। राधा टीला में तो उसके वृक्ष सब लोग जानते हैं वहाँ कि कौन कौन से वृक्ष हैं जिनमें दोना मिलता है। पत्ते दोना के आकार में बिल्कुल कटोरी जैसे बनेंगे, और दोना जो हैं उनके स्वाभाविक आकार वाले पत्तों से सुशोभित उस वृक्ष का दर्शन सब लोग करते हैं। उस वृक्ष से किशोरी जी ने एक पत्ता तोड़ लिया और तुरंत आविशावस्था में बोली, देखो देखो दोना माखन भरे हुए। किशोरी जी अर्थात जो माता किशोरी थी साथ में, उनकी बात में कर रहा हूँ, और किशोरी जी की वाणी सुनकर सभी भक्त उनके पास दौड़ आए और किशोरी जी दोना को चाट रही थी, वो माखन ले माखन ले, ये सुनकर के सब आनंद मग्न हो गए। और महाराज फिर किशोरी माता किसी किसी विशेष प्रेमी का अंगूठा दिखा के बोली, कैसो मीठो है। महाराज जी की ओर थोड़ी दृष्टि उठाई तो महाराज जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर झुकाए और तब भावावेश उनका उतरा। सहजावस्था में बहुत देर के बाद आई क्योंकि उनको मक्खन मिल गया था, उसको चाट रही थी वो। वहाँ से महाराज श्री कार्तिकेय जी फिर कामवन पहुँचे, जिसको महाभारत में काम्यक वन लिखा हुआ है और वर्तमान में कामा बोलते हैं। एक रात्रि वहाँ भी निवास करके वहाँ के मुख्य मुख्य स्थलों का दर्शन किया, जैसे भोजन थाली और गिरिराज जी, गया कुंड और वहाँ तीर्थराज प्रयाग है। गिरिराज जी की तो शिलाएं मंदिरों में रखी हैं, गिरिराज जी से तो गए ही थे लेकिन शिलाओं में गिरिराज जी विराजमान, शिला के रूप में मंदिरों में विराजमान है। उस समय श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज भारवाहक बने थे, बड़ी खुशी हो रही थी कि भक्तों का सामान बड़े आराम से ढोते थे। से सब लोग खाली हाथ कीर्तन करते हुए एक ऐसे स्थल पर पहुंचे जहां कदम्ब पर बैठकर श्याम सुंदर ने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया था। उस कदम्ब की पत्तियों और शाखाओं में भी सबको मोर मुकुट का दर्शन हुआ।
और प्रणाम करते हुए उस परिक्रमा को हर्षोल्लास में भरे हुए फिर बद्रिकाश्रम पहुँचे। बद्रिकाश्रम हिमालय का आप मत समझना, ब्रज परिक्रमा बद्रिकाश्रम है जिसको आदि बद्री भी बोलते हैं। भक्तों, जो महाराज जी की मंडली चल रही थी परिक्रमा में, 84 कोस परिक्रमा में, वो महाराज जी की अलग मंडली थी। जो हजारों यात्रियों की मंडली चलती वो नहीं थी, केवल 14 लोग चले थे शुरुआत में, बाद में भले ही कुछ बढ़े हों। तो वो मंडली अलग महाराज जी ने इसलिए बनाया था कि महाराज श्री कार्तिकेय जी के नियम के अनुसार चलना पड़ता था। आम पब्लिक को नियम पालन करना मुश्किल पड़ जाएगा। कुछ चुने हुए भक्त संत लोग थे, महाराज जी का नियम था कि साथ में वही चल सकता है जो एक चुटकी आटा और एक पैसा भी अपने पास न रखे, कुछ भी संग्रह नहीं हो, एक पैसा भी जिसके पास न हो और खाने के लिए एक चुटकी आटा भी न हो, कोई सामान नहीं खाने का हो, वो चलेगा साथ में। इतने त्यागी तपस्वी लोग तो साथ में, केवल भगवान का आधार लेकर ही उनके धाम की परिक्रमा करें, कोई अपने पास संग्रह न हो जिसका, वही चलेगा। तो इस यात्रा का महाराज जो सुख था, भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त था। वो लोग महसूस करते थे इस बात को कि ये दिव्य सुख तो देवताओं को भी नहीं मिल सकता है। प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनका आधार लेकर की यात्रा में सफलता मिलती है। और स्वामी कार्तिकेय जी जैसे महापुरुष का संग मिला था तो ये सब विज्ञ अनुभवी भक्त लोग, ज्ञानी लोग थे, ये कैसे महाराज जी के नियम से अलग चलते हैं। जो भी लोग साथ में चलते थे ना, उनको स्वामी कार्तिकेय जी महाराज कहते थे, ध्यान रखना, ब्रज 84 कोस के अंदर का कोई भी प्राणी साधारण नहीं समझना, उसे ब्रज किशोर चितचोर का रूप ही समझना चाहिए हमें, और किसी भी भिक्षान्न को अन्न न समझकर ब्रज रस से उत्पन्न होने के नाते उसे भगवान का दिव्य प्रसाद समझें। तो भिक्षा से ही प्रसाद होता था रास्ते में, और भावना बहुत ऊंची रखी जाती थी। महाराज जी ने अपने बनाए हुए यात्रा नियमों को पूर्ण रूप से चरितार्थ किया था, भिक्षा का बड़ा सत्कार करते थे। छोटा सा ग्राम पड़ा एक जगह, बस 2-4 घर का ग्राम समझिए आप, रात्रि में वहीं विश्राम हुआ। गांव के लोगों ने भिक्षा में मिर्च का अचार और 10-12 मूर्तियों के पेट भरने योग्य टिक्कर, टिक्कर का मतलब आप समझिए मोटी मोटी हाथ की बनी हुई छोटी छोटी रोटी जो गोबर के कंडे में सिकी हुई, तो बस इतना ही मिल पाया था। और जबकि और भी लोग साथ में थे, ज़्यादा लोग, 10 लोगों 12 अधिक से अधिक 12 लोगों के लिए मिल पाया था मिर्च का अचार और टिक्कर। और पाने के समय जब सभी को आचार वितरित किया गया तो मिर्चा देखकर ही किशोरी जी के मुखारविंद से सहज भाव से सी ऐसा निकल पड़ा, जैसे ये भोग में कैसे लाला ग्रहण करेंगे, प्रभु कैसे ग्रहण करेंगे, सी ऐसे कर दिया सी। ये देख करके महाराज जी सभी मिर्चों को वापस लेकर बोले, श्री जी आप लोगों की ब्रज की इस भिक्षा में मिर्चों की दृष्टि हो गई, इसलिए मत खाइए, हानि करेंगे।
इन पर दृष्टि सही नहीं है लोगों की। मेरे लिए तो ब्रज की सब वस्तुएं अमृत हैं, इन मिर्चों को मैं अकेला ही पाऊंगा, क्योंकि किशोर जी के मुख से सी ऐसा निकला कि मतलब कौन खास पाएंगे, तो बड़ी तीखी कड़वी होंगी, इन मिर्चों को तो खाना मुश्किल है। तो कार्तिकेय जी की तो भक्तों कैसी उच्च भावना रहती थी कि किशोरी जी को कोई कष्ट न हो जाए, इसलिए कहने आप मत पाइए इन मिर्चों को, इन सब मिर्चों को अकेला मैं ही पाऊंगा। ऐसा कर कर सबके मना करने पर भी मिर्चों के उस पूरे अचार को श्री कार्तिकेय जी महाराज अकेले ही पा गए और उनके शरीर पर उनको कोई असर भी नहीं हुआ, वो सी भी नहीं किए एक बार भी, और हंसते हंसते पाया, जबकि पूरा मिर्च का अचार था। वो देख करके डरता था आदमी कि इतना मिर्च कैसे कोई पा सकता है, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और महाराज जी तो सहज ही उसको पाते चले गए। और उसके बाद फिर वहाँ से चल करके सभी लोग बूढ़े केदार पहुँच गए, बड़ा ब्रज की तीर्थ यात्रा में ऊंचा पर्वत है, तो सुंदर दृश्य है वो। तो वहाँ सब लोग बूढ़े केदार पहुँच गए, जिसको आदि केदार भी बोलते हैं, और तो संध्या होने में थोड़ी देर रह गई थी, दर्शन करके लौटने पर रात हो जाएगी ऐसा विचार करके महाराज जी की आज्ञा से श्री केदार जी की तलहटी में ही विशाल इमली के वृक्ष के नीचे डेरा डाला गया, क्योंकि वहाँ रुकने की कोई जगह ही नहीं थी। अब भले हो गए भक्तों, मैंने तो देखा था तो जगह नहीं थी वहाँ, तो वृक्ष के नीचे ही डेरा डाल दिया गया। और समीप में गौरी कुंड होने से वहाँ जल की सुविधा थी, पास में खेत थे, गांव वाले किसान लोग खेत से गांव में जाने को तैयार हो रहे थे। उन्होंने महाराज जी का दर्शन किया और बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके कहा, महाराज रात्रि में आप लोग माताओं के साथ यहाँ कैसे रह पाएंगे, इस केदार पहाड़ की गुफा में जोड़े से सिंह रहता है, हम लोगों के गाय बैल कुत्ते बाहर कोई भी जीवित नहीं रह पाते हैं, गांव में यत्र तत्र अग्नि सुलगा करके रात्रि में सजग रहना पड़ता है, इसलिए आप लोग कृपा करके गांव में पधारे हैं, रात्रि में यहाँ नहीं रहें। किसान भाइयों की उस प्रार्थना को सुनकर महाराज जी बोले, भैया आप लोग ठीक करें, हम लोग फक्कड़ हैं, यहीं रह लेंगे, श्री किशोरी जी के साथ सब माताएं गांव चली जाएंगी, लेकिन हम लोग तो यहीं रहेंगे। ऐसा कह करके महाराज जी सब माताओं को साथ लेकर के गांव में जाने के लिए किशोरी जी से कह दिया। लेकिन फिर किशोरी जी ने कहा, भगवान जाको रखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांग का कर सके जो जग बैरी हो। ये बात अभी तक घर में बैठ कर के कहा करते थे, लेकिन अब तो जंगल में जहाँ दो शेर शेर नहीं रहते हैं, वहाँ ये बात कही जा रही थी। अब चरितार्थ करने का समय आया है कि जहाँ जंगल में दो शेर शेर नहीं रहते हैं, सब किसान बता रहे हैं कि सब जीव जंतुओं को मार के खा जाते हैं, अब वहाँ ये बात कितना अंदर तक कौन सोचेगा कहेगा, ये विचारने की बात थी। और महाराज किशोरी माता ने कहा, गुरुदेव भगवान जब यहाँ रहेंगे तो हम लोग गांव में क्यों जाएं, हम लोग भी यहीं रहेंगे। और माँ किशोरी जी ने कह दिया, और जो माताएं हैं वो जाना चाहें तो चली जाएं गांव में, मैं नहीं रोकती हूँ, वो जाना चाहें तो जाए, प्रभु रक्षक हैं, जो कोई भक्षक नहीं हो सकता है, और ये जो भक्षक हैं
उसको कोई रक्षा भी नहीं हो सकती है। ये सुन करके महाराज जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसी धारणा है तो आप लोग निश्चिंत तो होकर यहाँ विश्राम करें। सबको केदारनाथ जी के दर्शन की उत्कंठा लगी हुई थी। महाराज जी बड़ी तेजी से दर्शनों के लिए आगे आगे दौड़ कर पहाड़ पर चढ़ गए और सबसे कहा आप लोग सावधानी से धीरे धीरे चढ़िएगा, आप लोग दौड़ के मत चढ़ना। कारण ये श्वेत संगमरमर का पहाड़ बिल्कुल खड़ा और चांदी जैसा चमकता है। अंधेरे के भय से सब जल्दी जल्दी दर्शनों के लिए ऊपर तेज से भाग रहे थे। वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि महाराज श्री कार्तिकेय जी केदारनाथ जी के दर्शन करके नादिया के आकार में स्वाभाविक बनी हुई पहाड़ी विशाल चट्टान पर बैठे मुस्करा रहे हैं। उस समय महाराज जी का रूप बिल्कुल शिव जी जैसा लग रहा था। ये बोले ये नादिया केदारनाथ जी का है, इस पर अन्य किसी को चढ़ने का अधिकार नहीं है, आप लोग कोई भी इस पर मत चढ़िएगा, ये शिव जी का नादिया है। साथ की मंडली में से कोई एक व्यक्ति पहले केदारनाथ जी की बिल्कुल शरण में पहुंच गया। उसने देखा कि महाराज जी दोनों हाथों से केदारनाथ जी का आलिंगन करते हुए प्रत्यक्ष वत मिल रहे हैं। कौतूहल वश इस रहस्य को उसने सबके सामने प्रकट कर दिया तो महाराज जी हंसने लगे और इधर अंधेरा बढ़ने लगा। लोगों के हृदय में शेर का आतंक जमा हुआ था, इसलिए सब जल्दी जल्दी उतर कर उस इमली वृक्ष के नीचे आकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। प्रार्थना आरंभ हुई। कीर्तन में किशोरी जी ने ज्यों ही करताल बजाई, सिंह ने बड़ी जोर से दहाड़ मारी। उनको सुन करके भगवान ने कहा, कार्तिकेय जी महाराज ने, आइए नरसिंह भगवान दर्शन दीजिए। और कीर्तन समाप्त होने के पश्चात सबने विश्राम की तैयारी की। श्री भगवान जी के आसपास सब संत पुरुषों ने विश्राम किया। माताओं ने किशोरी जी के चारों ओर सटकर आसन लगाया, बीच में घनश्याम को रखा, क्योंकि माताओं के हृदय में शेर का भय समाया हुआ था। ये देख करके महाराज जी ने कहा, मैया, अरे भाई आप लोग इतना घबराओ नहीं, किसी लकड़ी से श्री राम नाम की कार गोला बना करके रूप में इतनी दूर तक खींचिए कि उसमें सबका निर्वाह हो जाए। ये सुन करके महाराज जी की आज्ञा से श्री हरिहर जी महाराज ने राम नाम का उच्चारण करते हुए, कार का मतलब भक्तों गाड़ी मोटर आप मत समझना, कार का मतलब एक रेखा खींचनी थी बस, तो वो आकृति ऐसी बनाने के लिए कहा था महाराज जी ने। वो रेखा खींच दी और बोले अब निश्चिंत होकर के आप लोग सो जाओ, इसके भीतर कोई भी सिंह नहीं आ सकता है, इसको लक्ष्मण जी की रेखा समझो आप। तब सबने विश्राम किया है केदारनाथ जी के चरणों में और महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। आगे आप फिर श्रवण करेंगे बाद में, आज उनको नमन करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।